क्या आपने कभी पाकिस्तान में सरकारी इदारों के सामने खुद को कमजोर महसूस किया है? क्या आपको इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के बावजूद भी मार्कशीट बरअक्स दिखाई दी है? क्या आपको टेस्ट और इंटरव्यूज में कामयाबी के बाद भी मुलाजमत के लिए नाअहल करार दिया गया? क्या आप एक बुजुर्ग शहरी हैं जो रिटायरमेंट के बाद अलाउंसेज और पेंशन की अलॉटमेंट का इंतजार कर रही है? इन तमाम अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से साल 2013 में एक अहम कानून पास किया गया जिसको RTI एक्ट कहा जाता है। इस बिल को मंजूर करने का मकसद सरकारी महकमों में शहरियों की मालूमात तक रसाई को यकीनी बनाना है। RTI कानून की मदद से शहरी हर किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए अपना नाम, पता, राब्ते की तफसीलात, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, दरकार मालूमात की तफसीलात और मुतल्लिका अवामी इदारे के नाम की तफसीलात देने की जरूरत है। RTI कानून के तहत मांगी गई मालूमात के लिए शहरियों की दरख्वास्तों पर 10 दिन के अंदर अंदर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।